नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आने वाली अगले दो दिन आने की दिनांक 11 और 12 सितंबर 2022 से हो जाइए सावधान, क्योंकि यह समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी भयंकर घटना घटने वाली है। दोस्तों ऐसी घटना आज तक आपके जीवन काल में कभी नहीं घटी होंगी। दोस्तों अगर आप लोग इस घटना के बारे में जानेंगे और सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। जी दोस्तों, अगले दो दिन में आप लोग अपने दुश्मनों का कब्र खुद अपने हाथों से खोदने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको हम बता दें कि अब आपके सारे दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि यह समय आपके कुंडली में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बन रही है, जिनसे कि आपके जीवन काल के सारे की सारी तकलीफें, सारी की सारी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं और आपके दुश्मनों का वो हाल अगले दो दिनों के अंदर होने वाले हैं जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, जिसमें हम बात करने वाले हैं 11 और 12 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों दो दिनों का समय आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, यह समय आपके जीवन काल में कौन कौन सी शुभ और अशुभ घटनाएं घटने वाली है। दोस्तों यह समय आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, आपके जीवन काल में इसमें क्या क्या चमत्कार होने वाले हैं और क्या क्या परिवर्तन भी होने वाले हैं। दोस्तों यह समय आप लोगों को किन किन क्षेत्रों में सावधानी भी बरतनी पड़ेगी और कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यह समय आपका लव लाइफ कैसे रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी और दोस्तों कार्य धन को लेकर स्थितियां कैसे व्यतीत होंगी। दोस्तों घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा और विद्यार्थियों के लिए समय कैसे रहेगा। दोस्तों इन सारे के सारे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को पूरी विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे। तो आप सभी से बस मेरा छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय भी हम बताएंगे। दोस्तों अगले दो दिनों में इस उपाय को आप लोग कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जीवन की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या दोस्तों नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि राशि से जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को समय समय तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरु जी के बड़े ही सुंदर अनमोल विचार के साथ। दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थितियों को देख कर लें, क्योंकि दुनिया को देख कर लिए फैसला हमेशा आपको दुख ही देता है, इसलिए आप वही कदम उठाएं जो आपके लिए बेहतर साबित होगा। दोस्तों आप ज़िंदगी में कुछ नए काम ऐसा भी करना चाहिए जिनका खुद के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। दोस्तों समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। दोस्तों जो मनुष्य समय की पहचान कर लेता है दोस्तों उनकी सीखने की कला सर्वोत्तम मानी जाती है। दोस्तों कि जब आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो असफलता से मत डरो और उस काम को बिल्कुल ही ना छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वह सबसे प्रसन्न होते हैं और उन्हीं की उन्नति होती है। दोस्तों एक बात आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर याद रखिएगा, दोस्तों भाग्य भी उन्हीं इंसान का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर याद रखिए। दोस्तों गुरु जी का यह ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय गुरुदेव महाराज जरूर लिखिए। दोस्तों गुरु जी का सीधा से बात आप लोगों को प्राप्त होगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आने वाले अगले दो दिनों की महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में। दोस्तों आने वाले अगले दो दिनों का समय आप सभी के लिए शुभ समय साबित होगा, लेकिन दोस्तों खर्च बढ़ने से आप परेशान भी रहेंगे, हालांकि उससे अनुपात में आय बढ़ने से आप संतुष्ट भी रहेंगे और दोस्तों यह समय आप धन और आपसी संबंधों की तालमेल बनाने में असफल भी रहेंगे और यह समय एक चीज़ को सुधारने के चक्कर में दूसरी चीज़ बिगड़ सकती है और दोस्तों यह समय व्यापार संबंधित काम में दिन अनुकूल दिखा रहा है और फंसा हुआ पेमेंट यह समय प्राप्त होने से कई कार्य फिर से आरंभ हो सकता है और दोस्तों व्यवसायिक वर्ग के लोग दोपहर तक उदासीन वातावरण रहने से निराश भी रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद आकस्मिक लाभ के योग भी बन रहे हैं और आप फिर से खुश हो जाएंगे और दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपकी छवि सुधरेगी और आपके काम के तारे भी होंगे और यह समय लेखन और रचनात्मक कार्यों में अच्छा कारोबार होगा और यह समय आपकी क्रिएटिविटी की लोग तारे भी करेंगे और ऑनलाइन क्लास लेने वाले टीचर्स का काम यह समय बढ़ेगा और लाभ भी होगा
और नौकरी पेशावर में कर्मचारी काम का दबाव बना रहेगा। और दोस्तों ऐसे में आपको रुपये और पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। ऐसे में किसी पर तुरंत भरोसा करके उधार पैसा बिल्कुल ही देने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। और ऐसे में आप छोटी मोटी बातों में लोगों से उलझ सकते हैं, इस बात का भी ऐसे में ध्यान रखें। और ऐसे में अपनी योजना किसी से शेयर बिल्कुल ही ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसे माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जीवन साथी आपकी किसी बात से नाराज भी हो सकते हैं, ऐसे में आप गणेश जी को हरा वस्त्र चढ़ाएं, आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आएंगे। और दोस्तों सामूहिक कार्यों में सबकी सलाह से ऐसे में आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। और ऐसे व्यवसाय में निवेश की योजना भी बनेगी। संतान की सफलता से आप खुश भी रहेंगे और परिवार का वातावरण ऐसे में अनुकूल भी रहेगा। ऐसे में नवीन व आभूषण क्रय करने का मन भी बनेगा। दोस्त ऐसे में गलत खान पान सेहत खराब कर सकता है, इसलिए आप ऐसे में उल्टी सीधी चीज़ें बिल्कुल ये आप ना खाएं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। और दोस्त ऐसे में धन का व्यय हो सकता है, ऐसे में विवादों से बचने का प्रयास करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद साबित होगा। और ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि मुद्दों को जल्द से जल्द ही हल कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों जो समस्या आपको परेशान कर रही है उन्हें हल करने के लिए होशियार चतुरता और कूटनीति में दाव पेचों की आवश्यकता है। ऐसे में आर्थिक तंगी से बचने के लिए अपने तयशुदा बजट को दूर न जाएं, और जो लोग आपके करीब हैं वे आपका गलत फ़ायदा भी ऐसे में उठा सकते हैं, वो तो इस बात का आप ऐसे में ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ऐसे में खुश मिजाज रहें और प्यार की राह में बाधाओं का सामना करने के लिए आप तैयार भी रहें। और दोस्तों ऐसे मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई भी शख्स ऐसे में आपके संपर्क में आएगा और ऐसे में आपका यादगार भी बना देगा। और दोस्तों ऐसे मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होंगी, और परिवार के साथ यात्राएं भी ऐसे में हो सकती है। और ऐसे में काम काज में अच्छा धन लाभ होगा और भाग्य का साथ भी आपको ऐसे मिलेगा। और ऐसे में मौसमी बीमारी खत्म हो सकती है और सामाजिक रूप से मान सम्मान वृद्धि भी होंगी, और क्रोध की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहेंगी। ऐसे में आपके लिए जो समय रहेगा उत्साह से बढ़ा रहेगा। ऐसे में व्यापार में लाभ के संयोग हैं और ऐसे में अचानक धन लाभ भी आपका हो सकता है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। दोस्तों आखिर आने वाले अगले दो दिन में आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों ऐसे में आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्नान करने के बाद सफ़ेद, हरे, पीले, लाल या फिर आसमानी रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें, और पूजा में भगवान भोलेनाथ को अक्षत आने की चावल अर्पित करें, और ध्यान रखें कि चावल खंडित आने की टूटा ना हो। और दोस्तों आप सोमवार के दिन दही, सफ़ेद वस्त्र, दूध और शक्कर का दान करना काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे काफ़ी प्रसन्न भी होंगे और आपकी जो उनकी सारी की सारी परेशानियाँ हमेशा हमेशा के दूर हो जाएंगी, और आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ चल रहे हैं उन सभी से आपको मुक्ति भी दिलाएगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे बिगड़े और अधूरे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे।